थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है, है ना। इसके लिए आपको अलग से स्टाफ तो दिन में रहेगा, रात में तो रहेगा नहीं। तो दोस्तों हमारे पास आपको सारा का सारा नेचुरल मिलेगा, चीज़ें बात करने के लिए, समझने के लिए, फार्मिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आता है ये यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताता। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट से रिलेटेड और मछली फार्म से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं और उसी के साथ में आप लोगों को कुछ जानकारी देते रहते हैं। आज हम स्पेशल बात करेंगे दोस्तों कि ये तालाब हमारा क्यों फेल हो गया, हम यहाँ पर अब पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके साथ में ये टर्की पालन का जो सेट था, ये जो हमने इतने प्यार से और इतने अच्छे से जो 4 साल चलाया, ये क्यों फेल हुआ, या तो फिर हम इसको उजाड़ क्यों रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। पूरी वीडियो हो सकती है कि लंबी हो जाए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक हम आपको और क्लियर अच्छे से कर सकें, क्योंकि एक ही साथ में बहुत लंबा वीडियो बनाने से भी थोड़ा सा बोरियत लगता है। तो मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो साथ में बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला कारण तो ये है कि यहाँ का पानी जो है गंदा हो जाता था, धीरे धीरे ये गहरा होने लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर साल का इसका कफ जो है वो निकालना पड़ता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो आप पानी देख रहे हैं, वहाँ से जो पानी गिर रहा है वो हमारे घर का जो नल का जो पानी आता है, ये वो वाला पानी है। ये पानी जो है पूरी इधर से ऐसे करके चल करके आती है और वहीं से साबुन पानी वगैरह भी आता है, उस वजह से भी है। लेकिन तालाब मिट्टी वाली होने के साथ साथ में, तालाब मिट्टी वाली होने से उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा था। अब ये तालाब जो है एक्चुअल में छोटा पड़ जा रहा है, ना तो यहाँ पे हम स्पॉन पाल पा रहे हैं। स्पॉन पालने से भी बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं कि कई बार मछली के बच्चे वगैरह पालने से क्या है कि उसको सेल करने में और थोड़ा सा हम जिस जगह पर रहते हैं उस वहाँ पर भी थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है। और मेन काम हमारा ये नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं दोस्तों कि अगर जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं, है ना, ये बंद होने से ही रिलेटेड है, इधर उधर की बातें नहीं है। जब भी आप काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पूरे मन बना लीजिए कि क्या मैं ये काम कर पाऊँगा, पहले देख लीजिए, सीख लीजिए, ना तो फिर आपको यही करना पड़ेगा जो आज हम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मछली के बच्चे पालेंगे बोल करके तालाब बना हुआ था उधर, और भी तो मछली के बच्चे नहीं पाल करके हम इसमें तेलपिया और पंगासियस का पालन किए, बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद फिर मांगुर वगैरह डाले, वो भी बहुत अच्छा चला, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हो ये रहा था कि हम तो इसको मछली बच्चे के लिए पाले थे, अब हमने इसमें मछली बच्चा डाला तो मछली बच्चे भी तैयार हो गए, ठीक है। अब उसको सेल करने को लेकर के दिक्कत आई। दिक्कत क्या क्या था? दिक्कत एक था, दो था, तीन था, जैसे कि हम आसपास में दिए, अगल बगल दिए, थोड़ा सा ज़्यादा ले करके, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। हम जो बात बता रहे थे वो सबसे पहली बात ये है कि ये हमारा अगर मेन काम नहीं है, ठीक है, तो हमको दिक्कत आने वाला है। आज नहीं कल आने वाला है, कल नहीं परसों आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आपका काम बढ़ते रहेगा, मान लीजिए कि आज फिर कोई मछली लेना, हम तो दूसरे काम में व्यस्त हैं। इसीलिए अगर आपका मेन काम कुछ नहीं है तो अगर आप इस काम में आते हैं और डूब करके करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप छोटे तालाब बनाना बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए छोटे तालाब बनाना। छोटा तालाब बनाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि छोटा तालाब बनाएंगे तो उसमें आपको दाना पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि हमको देना पड़ता था, ठीक है। दाना पानी के साथ में आपको मेंटेनेंस, पानी की डेंसिटी सी और दुनिया भर का टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, आपको सारा चीज़ एकदम सही रखना पड़ेगा, तब जा करके होगा। तो बड़े तालाब में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उसी पैसे से, तो आसानी से आप बहुत अच्छा पैसा रिटर्न ले सकते हैं। अब इस जगह को बंद करने के जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि ये भी है कि हर साल काप बदल रहे हैं, मिट्टी जो है नीचे का निकाल रहे हैं, तो नीचे में जो है गहरा होता जा रहा है थोड़ा सा। और ये मेरे घर का सरफेस है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, वो जो गेट दिख रहा है वो घर है हमारा, वहाँ से हमको चल करके यहाँ तक आना है, हमको यहाँ से जगह ही नहीं बच रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है इस जगह का यूज़, सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम फेल हो गए हैं, कि हम बंद करना चाहते हैं, हमारा तो समय चल रहा था। हाँ, एक चीज़ बोलेंगे, मछली पालने के लिए हमने इसको बनाया था, जो कि स्पॉन पाल करके हम बेचेंगे बोल करके, तो उसमें सीधा सीधा हमने ये बता दिया कि अगर ये मेन काम नहीं है तो देखिए, पानी का काम है, उतरना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, फिर उस टाइप के आदमी और लेबर क्या होता है, जब आप जिस काम को कर रहे होते हो आपके पास वैसा ही लेबर रहता है, ठीक है। वैसा लेबर होने की वजह से अब वो दूसरा लेबर कैटेगरी, ठीक है, अब एक गुरुजी को बोलेंगे कि भाई आप ये करो बोल करके, तो वो नहीं करेगा। वैसे टाइप का है कि लेबर की भी कैटेगरी होती है, इंसान की भी कैटेगरी होती है। तो हमारे पास जो कैटेगरी का आदमी है
हम उसको ऑफिस वर्क के लिए रखे हैं, अब उसको बोलेंगे कि चलो भाई मछली पकड़ो बोल के, तो संभव नहीं है। तो फिर आपको उसका दूसरा व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर आपको ये करना है तो आप ऐसे ही 5-6 कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये संभव है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कम से कम एक ठो गड्ढे से तो निकल नहीं पा रहा है ना, एक ठो गड्ढे से नहीं निकल पा रहा है हमको वो रिटर्न, ठीक है। तो वैसे ही अगर 7-8 गड्ढे रहते, 5-6 गड्ढे रहते और धीरे धीरे हम अगर इसी काम में डूब चुके होते तो शायद और अच्छे से हो पाता। तो भाई इसी वजह से नहीं, क्योंकि हमारे पास दूसरा और कई ठो काम है, ठीक है। इसलिए अगर स्पॉन का सोच रहे हैं तो बच्चे अच्छे से सेल करने के साथ साथ में आपका काम भी बहुत अच्छा, जो दूसरा काम है उस काम को थोड़ा सा कम करके आपको इस काम में भिड़ेंगे सीज़न वाइज, तभी हो पाएगा। ना तो फिर, और वैसे भी जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे तब तक आपको रिजल्ट किसी काम में नहीं आना है, ठीक है। तो अगर आप इधर 100% देंगे तो फिर अपने पुराने काम को नहीं दे पाएंगे, ये भी जान लीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब ये यहाँ पे मेरे को रास्ता कम पड़ जा रहा है। अब इस रास्ते कम पड़ने की वजह से देखिए मेरा नर्सरी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी ये नर्सरी जो है, अब ये नर्सरी का काम स्टार्ट हो रखा है मेरा। ऐसे भी ये देखिए ये पूरा प्लांट नर्सरी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दूसरा काम कम कर दिया है या छोड़ दिया है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं नर्सरी जैसी मैंने डाला है। ये देखिए पूरा नर्सरी, ये गड्ढा खोद करके हमने इसको नीचे लगाया है। ऊपर में था तो बहुत कुछ मर जा रहा था अभी पानी बरसात का मौसम। ये देखिए ये हमारा टर्की वगैरह भी है, देखिए किसी को चाहिए तो बड़ी टर्की और सिल्की वगैरह भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे तालाब है, यहाँ पे ये नया तालाब होने की वजह से पानी उनी रुक नहीं रहा है, एक सीजन मछली लिए हैं यहाँ से। तो ये तो हो गया इसके। तो अब यहाँ से जैसे गाड़ी उड़ी का रास्ता बनाना है हमको, है ना, यहाँ से गाड़ी आ जाए पूरा इस टाइप का जगह बनाना है, इसी वजह से ये हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक, ताकि यहाँ से पूरी गाड़ी आ जाए, गाड़ी लग जाए पूरी। अब काम तो शुरू हो ही गया है। ये बाकी सीमेंट टैंक है मछली पालन के लिए, बहुत दूर तक है वो, लास्ट तक है, बड़ी बड़ी सीमेंट टैंक है। तो ये हमको थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, हमारे पास ऑप्शनल था दूसरा, तो हम इसको अभी क्लोज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस जगह पे, अगर ये हमारा घर के पास ही में है, पहले बनाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है दोस्तों, कोई भी ज़मीन को आप फट से कैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अब ये हमारे घर से लगा हुआ है, एकदम से सटा हुआ है, घर के आंगन में ही है समझिए। तो घर के आंगन में तालाब कौन बनाता है भाई, हमने तो बाउंड्री मार दिया है तो वो कम हो गया, लेकिन अब नर्सरी के लिए हमको जगह कम पड़ रही है, इस वजह से हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में आपको जो हमने बताया मेन, है ना, कि एक तो रास्ता नहीं है और ऊपर से फिर ये इसको पार्ट टूट करके एकदम से बढ़िया इसको घर, एक साइड घर बना करके फिर पूरा नर्सरी वगैरह लगा करके एरिया को बढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो टर्की का जो फार्म था यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा था। बहुत सारा दिक्कतें आ रहा था दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ, समझते जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या था, नीचे से बांस गैप है, उतरता है पूरा बीट वगैरह नीचे गिरता है, मछलियाँ खाती हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पानी गंदा नहीं होता था, हम मेंटेन करके रखते थे पूरा उसका सब कुछ, चूना वूना पोटाशियम वोटाशियम डाल डाल करके बहुत बढ़िया, बदक भी उतरती थी इस तालाब में। तो ऐसा मत सोचिएगा, अपने से कुछ भी मत सोचिएगा कि यहाँ पे गंदा होता था, ये है वो है, हमने जो कारण बताया वही मेन है, है ना, तालाब बंद करने का, कि नर्सरी हो गया है और उसके साथ में ये यहाँ पे छोटा स्पॉन डालने से कहना चाहिए कि बिजनेस अगर आप इसी में ग्रो कर लेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि हमारा मेन काम डिस्टर्ब हो रहा था, यही मेन बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो ये नीचे से जो गैप है, जो बीट गिरता है मुर्गियों का, उस जगह पे एक चीज़ है दोस्तों कि चूहा जाने का भी रास्ता रहता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ आदत ये हो गया था कि चूहा लोग नीचे घुस घुस करके अंडे को खाते थे, ठीक है, टर्कियों के पैर लोगों को काटते थे, इतने ज़्यादा बदमाश हो गए थे कि टर्की शाम में चूहे लोगों से इतना डरती थी कि ऊपर बैठी रहती थी, अपने अंडे के घोंसला छोड़ देते थे वो लोग। तो क्या है, बहुत ज़्यादा फोकस तो कर नहीं पाते थे, चलिए चूहा से निजात अगर पा भी गए तो ऊपर में एडवेस्टर वगैरह था नहीं दोस्तों, ऊपर में एडवेस्टर नहीं रहने की वजह से बनबिला वगैरह अंदर घुस करके अटैक करने का चांसेस। चलिए अगर हम इसको भी मजबूत बना लेते हैं, ठीक है, हम अगर इसको भी मजबूत बना लेते हैं अभी के समय में, तो दिक्कत ये आ रहा था कि अगर हम इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट करके मजबूत जो बनाते तो यहाँ पर हमको जो है घर बनाना है प्लस इसको नर्सरी के लिए निकालना है बोल करके ये दिक्कतें आई। अब रही बात जिस हिसाब से हमने सोचा था कि इतना रिटर्न आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा बोल करके, तो वो सब
आया टर्की से बहुत बहुत पैसा आया, तो उसके जगह में देखिए इसी के जगह में हमने कॉपी टू वहाँ पर जो हमने आपको दिखाया लास्ट में एकदम जहाँ पर हमने टर्की दिखाया वहाँ पर हमने बना लिया है अभी जगह। इस वजह से हम इसको अपने घर के, ये हमारा घर है यहाँ पे, घर के पास से हम इसको सेफ कर रहे हैं, इस जगह को अलग से निकाल रहे हैं ताकि फार्म जो है वो दूर हो जाए, लेकिन ज़्यादा दूर तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहीं से फार्म शुरू हो जा रहा है। ये देखिए ये यहाँ से कबूतर वगैरह सारा चीज़, ये देखिए ये कबूतर वगैरह सारा का सारा यहीं से है, तीन तीन लेयर में है। देखिए सब अपना बढ़िया खाना वाना खा रहे हैं, मस्त एकदम अच्छे से लगे हैं। ठीक है, वहाँ पे बदक रहते हैं, वहाँ पे हसील वगैरह हैं, तो हसील को भी सेल करना है दोस्तों, अगर कोई हो तो देखिए। अब ये आ गए है ना, तो ऐसे इस वजह से इस तालाब को हम बंद किए। कारण और एक भी था कि अब जो थोक का मार्केट नहीं पकड़ पाना, ठीक है, अगर आपके पास थोक का मार्केट नहीं है, चिल्लर के मार्केट हैं, तो हमारा जैसे कि हमने आपको बताया मेन काम डिस्टर्ब हो करके आपको ये वाले प्रॉब्लम दे रहा था कि कोई आया चिल्लर लेने के लिए, कोई आया 2 किलो 4 किलो करने के लिए, तो वो बिल्कुल, मैं फिर बोलूँगा यूट्यूब देख करके बिल्कुल पागल मत बनिए। आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसको सोच विचार कर कीजिए, क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है या इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं तो आप फंस जाते हैं। तो फंसिए नहीं, सौंकिया करना है 2-4 पिंजड़ा और 8-10 करके आप छोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आप सोचेंगे कि मेरा काम अच्छा चल रहा है मैं कमाऊँगा बोल करके, वहाँ पर फिर आपको बहुत बड़े रूप में और बड़े आकार में करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको काफ़ी मशक्क़त लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं कि अब मन में तकलीफ़ भी है कि भाई एक तालाब बनाएं और जिसका हम बहुत लंबे समय तक 8 साल तक इस्तेमाल किए और आज हमको काम चेंज करने की वजह से या समय के परिवर्तन बोलना चाहिए, जैसे कि अब यहाँ पर घर वर भी बना सकते हैं। कुल मिलाकर के पहले पाटेंगे, नर्सरी का करेंगे, फिर घर वर बनाएंगे जो भी है, और ये जगह थोड़ा सा है जो बढ़िया गार्डनिंग वगैरह करके बहुत सुंदर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अभी भी हमारे नज़र से बहुत खूबसूरत ही है, आप लोगों को भी बहुत ही खूबसूरत रखता था, तो कहीं ना कहीं इस बात का तकलीफ़ रहेगा। 8 साल हमारे साथ में रहा ये, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनी, अब नहीं बन पाएगा क्योंकि तालाब का नहीं बन पाएगा, जगह में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी ही करेंगे ही। अब इसको छोड़ रहे हैं तो आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देनी थी। इसके जगह में देखिए एक एक इंच का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, हर जगह का सही सटीक इस्तेमाल इसी को बोलते हैं, है ना। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डबल ट्रिपल लेयर में कुछ ना कुछ काम हो बोल करके, तो फिलहाल ये बांस वांस वाला हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और छोटे एरिया में मछली पालन और स्पॉन का तो काम भूल से भी आप लोग शुरू मत कीजिए, क्योंकि जिसको बहुत अच्छे तरीके से भिड़ के करना है प्लीज़ वही लोग इसको करें, न तो मत करें, क्योंकि पानी वाला काम है, 100% आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा नहीं निकाल सकते, निकाल करके रखना पूरा इरिगेशन सिस्टम दिन लग जाता है दोस्तों। तो अपने अपने काम में मस्त रहिए, 2-4, 8-10 मुर्गी पालिए, टर्की पालिए, टर्की का बड़ा फार्म कीजिए, मछली का भी बड़ा फार्म कीजिए, स्पॉन का भी बड़ा फार्म कीजिए। भीड़ के करना है तो आइए, स्वागत है, पूरी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा करना है तो काम को समझ लीजिए कि कौन काम थोड़े में हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ समीर मलिक के साथ।